हाँ, हम 12वें क्वेश्चन पे हैं। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सरकमस्क्राइब ए सर्कल। दिनेश आवाज आ रही है भाई? दिनेश जुड़ा हुआ बेटा, दिनेश है कि नहीं? हाँ, बोलता क्यों नहीं भाई फिर? नमस्ते भाई। थ्योरम सुनी जब भाग गया है, याद नहीं है, इतनी तो कहनी थी। है भाई, याद नहीं है वो तो मन बेरा था जब बत्तन क्लास लीव कर दी, एक बार ज्वाइन करके दोबारा से लीव करी, इसी कारण तो की थी वो। है भाई, क्लास जो लीव करी आपने वो इसी कारण तो की थी। है ना? ये चालाकी अन छोड़ दो बेटा, यही पढ़ाई का मकसद होता है। और ये थ्योरम याद ना हो वो तो काम चल जाए, लेकिन जिंदगी में ऐसा जो खेल खेलते हो ये अच्छा नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। स्टूडेंट को तो बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ। थ्योरम क्यों याद नहीं है बताना अब? मेरी आवाज आ रही है बेटा? ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। एक ट्राइंगल खींची है, अपने अंदर एक सर्कल को रखती है, रेडियस 4 है इसका, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ये डालेंगे, ये भी कितना आएगा? 4। यहाँ से भी ये भी कितना आएगा? 4। इनको भी मिलाएंगे हम। रेडियस सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट डी आर ऑफ लेंथ एट एंड रेस्पेक्टिवली। जो बी डी और डी सी है वो 6 और 8 जो है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और डी जो है इसको यहाँ टच करती है, ई और एफ को भी इसको भी टच करती है। दे रखे है
यहाँ पे फाइंड द साइड ए बी एंड बी सी, हमने ए बी और बी सी को बताना है, तो गिवन क्या है पहले बताना। इस दूसरा ए सी, ए बी और बी सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट डी ई एफ। ए सी किस पे है? ई पे। ए बी किस पे है? एफ पे एंड डी रेस्पेक्टिवली। टू फाइंड क्या है? ए बी की लेंथ बतानी है और किसकी बतानी है? कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन ओ टू ई एफ एंड डी ऑल्सो टू ए बी सी, सब को ज्वाइन कर दिया ओ को, ए को भी बी सी को भी। सॉल्यूशन अब देखो, ये छह है सी से डी, ये कितनी होगी बता सकते हो? सी से ई इस चैप्टर में ये तो बात है, टेंजेंट जो है बाहर पॉइंट से बराबर होती हैं, और ये 90 हो गया, यो भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 8 है तो ये कितना है बताओगे? 8। ये एक्स ले लिया हमने तो ये इधर वाला भी कितना होगा? एक्स। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो हीरो फार्मूला से और एक इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया ये डार्क कर दी मैंने, फिर एक ये ट्राइंगल का एरिया और ये तीसरी का, तीनों का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी ई 6 सेंटीमीटर, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। और क्या बराबर है बेटा? बी डी और बी एफ। और ए ई और ए एफ, ये एक्स ले लिया, कारण यही है। ठीक है, तो हीरो फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई हीरोन फार्मूला, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है? ए क्या होती है? इस ए के सामने ये भुजा तुम्हारी ए है, ए है 6 और 8 14। बी कितना है? बी के सामने एक्स प्लस 6। सी क्या है? सी के सामने एक्स प्लस 8। तो पहले एस को ही निकाल लो,
2x प्लस 28, तो x प्लस कितना आ गया 14, s माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 14, एक्स s माइनस b कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा और कितना आ गया 8, s माइनस c, तो सब की वैल्यू आ गई, ये आया था x प्लस 14, ये कितना आया x, s माइनस है, ये कितना आया 8, ये कितना आया 6, आठ छिक 48, अड़तालीस को लिखते हैं 16 गुणा 3 यानी कि 4 रूट, रूट 3 नीचे रह जाएगा, किसके अभी डिस्टर्बेंस बेटा म्यूट कर लिया रहा हूं, तो एक तो एरिया हो गया ये, अब दूसरा तरीका आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस किस ट्राइंगल का, देखो ए ओ बी का एरिया, फिर ऐसे ही बी ओ सी का एरिया और ए ओ सी का एरिया, ये हम लेंगे फार्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ ए ओ बी का बेस कितना है एक्स प्लस 8 और ऊंचाई कितनी है 4, ऐसे ही ए ओ बी ए ओ सी का बेस कितना है एक्स जमा 6 और ऊंचाई कितनी है इसकी 4, बी ओ सी बी ओ सी इसका बेस कितना है 6 जमा 8 और ऊंचाई कितनी है 4, तो स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 14 का स्क्वेयर माइनस x प्लस 14, तो x यहाँ से क्या कितना है माइनस में नहीं आना चाहिए प्लस में आना चाहिए ऊपर, एक मिनट 8 और 6 14, तो यहां देखो बेटा ध्यान से, और इसका हाँ ये रह गया बेटा गड़बड़ी x रह गया, यहां हमने है ना x नहीं लिखा, यहां x हो रहा है, तो यहां कितना बचेगा माइनस का 3x, तो ये बच गया माइनस 2x प्लस 14, तो माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14 और x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ ए बी क्या हो जाएगा 7 जमा 6 13 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, 8 जमा 7 15 हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात। क्या किया है फिर देख लो, हमने ये फिगर दे रखी थी। आवाज आ रही है ना मेरी? तो ये 6 था, ये 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये x ले लिया था, ये भी x। तो एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया हमने हीरोन फार्मूला से। हीरोन फार्मूला ये होता है, हैं, ये आ गया। उसके बाद एक एरिया निकाल लिया हमने तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग बेस और हाइट लेके, ये आ गया। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। बराबर रख के हमने स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने के बाद ये आ गया। तो x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस 2x प्लस 14। तो 2x इज इक्वल टू 14, x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ए बी पूछा था 7 जमा 8 15 हो जाएगा। ये ए सी है और ये ए बी, और ये कितना हो जाएगा, 6 जमा 8 7। ठीक है, और अब है इसका लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। क्या कहता है ये, पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। यहां ये कहता है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट ए बी के ऑपोजिट है सी डी, ये एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर, ये हमने प्रूव करना है। अगर एक्स का और ये एंगल वाई है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। ऐसे ही यू और वी एंगल का भी जोड़ कितना होगा, 180। तो बहुत आसान है, इसी तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे इनसे। तो जितने भी एंगल बन रहे इनके नाम रख लो, 1 2। ठीक है, तो गिवन क्या हुआ, ए सर्कल विद सेंटर। ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ठीक है, टू प्रूव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यू प्लस वी इज इक्वल टू 180 कंस्ट्रक्शन। Join O to A B C D P Q R S, सब से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम प्रूव क्या करेंगे, 1 और 8 बराबर हैं, 2 और 3 बराबर हैं, 4 और 5 बराबर हैं, 6 और 7। 1 और 8 को बराबर कैसे करेंगे हम,
कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ओ एस सी और ओ आर सी? इन ट्राइंगल ओ एस सी एंड ट्राइंगल ओ आर सी, ओ आर सी क्या क्या बराबर है? ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ सी कॉमन हो गया, और सी एस इज इक्वल टू सी आर, सेम पॉइंट से टेंजेंट्स होगी। तो पहले लिखेंगे ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, क्या हो गया ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या बराबर है? ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन। और क्या बराबर है? एस सी इज इक्वल टू आर सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। समझ आ गई बात बेटा? तीनों भुजाएं बराबर हैं इस ट्राइंगल की। मैं फिर घुमा देता हूं उस पे पेन, और ये पहले भी हमने कराया था ना एक, उसमें ये दिखाया था, ये इसका इसका जोड़ 90 है। तो ये तो कॉमन हो गई थी, ओ आर रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है, एस सी और ये भी बराबर है क्योंकि टेंजेंट्स। तो ट्राइंगल ओ एस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर सी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई 1 और 8 बराबर हैं, 2 और किसके बराबर होगा? इक्विलेंटली, ये तीन डंडे लगा के एल वाई लिखना इक्विवेलेंटली। 2 किसके बराबर है? 4 किसके बराबर है? 5 और 6 किसके बराबर हो जाएगा? 7। 1 से लेकर 8 तक के एंगल्स का जोड़ कितना हो जाएगा? जैसे स्ट्रेट लाइन पे तो 180 का हो जाता है, और बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है? 360। अब देखो x किस किस से बना हुआ है? 7 और 8 से। y किससे बना हुआ है? 4 और 3 से। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 8। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं? 7, क्योंकि हमने 7 और 8 को रखना है 3 और 4 को। तो 1 की जगह लिख सकते हैं एंगल 8, और एंगल 2 चाहिए हमने, 2 नहीं चाहिए, 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि ये 2 है ना, ये 3 लिख सकते हैं, 3 चाहिए, 4 भी चाहिए। 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4। एंगल 6 की जगह लिख सकते हैं एंगल 7। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8, 2 कॉमन आ जाएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180। ये 2 से भाग कर देंगे। ये क्या है? 3 और 4, 3 और 4 का जोड़ है वाई, 7 और 8 का जोड़ क्या है? एक्स। तो वाई जमा एक्स बराबर 180, यानी कि एक्स जमा वाई बराबर इक्विवेलेंटली यू प्लस वी इज इक्वल टू, यही हमने प्रूव करना था। समझ आ गई बात बेटा? यहाँ एक सर्कल दे रखा था और बाहर एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल दे रखी थी, प्रूव करना था जो ऑपोजिट साइड हैं, जो एंगल बनाती हैं सेंटर पे, उनका जोड़ 180 होता है, यानी कि ये एक्स था, ये वाई था, तो एक्स और वाई का जोड़ 180, ये यू है, ये वी है, तीन का जोड़ 180।
तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ को सभी से जोड़ दिया तो एंगल बने 8। तो हमने प्रूव करना है 1 और 8 बराबर हैं 2 और 3। तो 1 और 8 के लिए हमने ट्राइंगल ली OSC और ORC, तीनों साइड बराबर हैं। तो बाई ट्रिपल एस जो है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो 1 और 8 बराबर हैं, ऐसे 2 और 3 बराबर हैं, 4 और 5 बराबर हैं, 6 और 7 बराबर हैं। तो 8 का जोड़ कितना है 360। तो x प्लस वाई जो है कितना आ जाएगा 80 और u प्लस वी। समझ आ गई होगी बात बेटा, थ्योरम भी पक्की कर लेना और ये एक्सरसाइज अपनी पूरी कर लेना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ।